स्टार भीख जेमटिक्स अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम लोग देख रहे थे सामान्य विज्ञान यानी बायो का, जीव विज्ञान का प्रश्न, रेलवे में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, वो मैं सभी क्वेश्चन इसमें ला रहा हूँ। और आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें आप लोगों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तीनों के अलग अलग कंटेंट मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आप लोगों का समय न लेते हुए अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके थे दोस्तों, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। जो लोग मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं तो विटामिन B1, किसी सदिश राशि परिणाम कभी भी नहीं हो सकती ऋणात्मक। देखिए, कोई भी सदिश राशि है उसमें क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वह आगे चलने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो देखने को आप लोगों को मिल जाएगा कि यह इसका रिजल्ट क्या होता है, यह हमेशा ऋणात्मक नहीं होता क्योंकि यह पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, बीजों से। ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। और अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3। किस मछली में शल्क नहीं होते हैं, कैटफिश में नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं, स्विम ब्लैंडर के कारण, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाताशय, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वाताशय के कारण, इसलिए मछलियाँ जल में नहीं डूबती। आइए, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया, तो WM Stanley ने सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में वैज्ञानिक ने अलग किया, WM Stanley ने। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें पूछा है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी मटर के पौधे। ये तो आप लोगों को कक्षा 7 में आप लोगों को देखने को मिल जाता था कि मटर को हम कैसे संकलित करते हैं, और आनुवंशिकी का सिद्धांत बताया था किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आइए देखते हैं, लिटमस किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, सिलिकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है, सूखे लैक्टस से। वाणिज्य कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है, बलूत यानी कोमल के पौधे से प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, चंगथंगी की नस्ल से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, बैंग रोग के कारण होता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि पिछले वर्षों में जितने भी मतलब जीव विज्ञान के पूछे गए प्रश्न हैं, वो आप लोगों को कितने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को एक से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, बैंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी में मरते हैं, तो सूत्रण रोग यानी सिरोसिस जिसे हम कहते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। जब आपको मालूम होगा मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाते हैं, मरुभूमि क्या कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। भैंस में मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं, मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफरवादी और मेहसाना। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई थी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर, राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी को किसको कहा जाता है, इलायची को। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, इलायची को। आइए आगे देखते हैं, वीडियो बहुत मजा आने वाला है, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। मैं 20 वाले लेक्चर में कम से कम 25 से 40-50 क्वेश्चन आराम से करा दूंगा, वन लाइनर क्वेश्चन। यह पाठ समाप्त होगा जैसे ही वैसे ही हम रसायन विज्ञान का पाठ आपके सामने लाएंगे। चलिए देखते हैं, फटाफट इसको देखते हैं। आइए देखते हैं, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक, कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दही दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण होता है।
विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग इसके कारण से उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। अवगांद्रों की संख्या क्या होती है? 6.03 × 10⁻²⁰ ये दिया गया है 6.023 और स्टार दिया गया है 1023 के क्रमांक के बराबर होता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक कितना होता है? दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या करता है? बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिकाएं जिसको RBC कहते हैं। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ABEK। और जल में घुलनशील B और C है। वसा में घुलनशील ABEK है और जल में है B और C। इसको ध्यान रखिएगा, यह जल में घुलनशील होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ध्वनि की चाल कितना होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। यह लाख एक कीड़ा है, ठीक है, इसको आप वो मत सोचिएगा। कीड़ों के स्राव के रूप में होता है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला निकलता है अपूर्व ग्रंथि से। फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5। आइए आगे देखते हैं। देखिए, दूध की शुद्धता मापी जाती है, इसमें मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि से शोरगुल का मापन होता है लैक्टोमीटर। देखिए, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, इसमें डबल क्वेश्चन दे दिया। और ध्वनि से शोरगुल मापा जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? डेसीबल कहते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन जिसको CH4 कहते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। देखिए, जिसको शुगर होता है उसको इंसुलिन लगाया जाता है, वही उसी को हिंदू मधुमेह रोग कहते हैं। स्कर्वी रोग यानी रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन की कमी के कारण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है, उसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl Cl, ठीक है, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होती है। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें से आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक में हम किसको देखते हैं? रबर को देखते हैं। कच्चे फलों के कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के कारण से कौन सा रोग होता है? मेनिनजाइटिस होता है, मेनिनजाइटिस होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, कौन सी राशि है? अधिश राशि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, यह आपको मालूम होगा। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए और रेलवे ग्रुप में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इसको आप जरूर से जरूर देख कर जाइएगा। ये काफ़ी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और ये पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, वो मैं वही करा रहा हूँ। और अगले वर्षों में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मैं उसको जरूर से जरूर इसमें लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। आइए आगे देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? बृहस्पति होता है। अब इसमें देखेंगे, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। निर्वात में कभी भी ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती क्योंकि उनको मीडियम चाहिए यानी माध्यम चाहिए। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला, कैसा लगता है? अंतरिक्ष में जाने पर अंतरिक्ष यात्री को कैसा लगता है? काला लगता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फैग्नोमीटर। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की इकाई, आप लोगों को मालूम होगा। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम का यानी डीटीयू का, इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और विटामिन जो
अच्छा होता है वो कौन सी विटामिन होता है, आइए देखते हैं आगे। सॉरी, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वह कौन सा होता है, विटामिन के, ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। और कोबाल्ट पाया जाता है, B12 में पाया जाता है, आवेश की मात्रा का इकाई है, एम्पियर सेकेंड होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, जो डायनामाइट होता है उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। आइए आगे देखते हैं। अभी मैंने देखा था इसमें आप लोग क्या देखे थे, शरीर में इसकी कमी के कारण एनीमिया होता है, और खून में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगर आयरन की भी कमी होगी तो वहाँ पे एनीमिया रोग होगा। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78। गैसो हाल बनता है पेट्रोलियम एथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी है। पॉजिट्रॉन की खोज कितने की थी, एंडरसन ने की थी। तो दोस्तों लोग वीडियो में बने रहे इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ, और हमारे चैनल में आप लास्ट तक बने रहिए, और आप लोगों को इसमें देखने को अच्छा से अच्छा प्रश्न मिल जाएगा। और एक बार अगर आप इसको कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ एक बार ध्यान दीजिएगा और परीक्षा के समय में हम इसमें बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों और आगे। पानी का अधिकतम घनत्व क्या है, होता है 4 पर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सूर्य के परावैगिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, ओजोन परत करता है, डायनामो का आर्मेचर बना होता है इस बात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर कितना होगा, 100 न्यूटन, यानी 6 गुना 1/6 गुना के बराबर होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसी धातु के क्षण को किसी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्वेश्चन पूछे गए इसमें। ये दोस्तों अगला देखते हैं। एक आवेशित खोखले के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अब ये देखते हैं दोस्तों, देखिए इसमें पूछा है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणी एवं विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पक्ष है, ठीक।